प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के कोरोना योद्धाओं तथा वैक्सीन लगवाने वाले नागरिकों के साथ वर्चुअल संवाद कर रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार व जनता को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने पर बधाई दी। प्रदेश के साथ हमीरपुर जिला के मुख्यालय, उपमंडल व ब्लॉक स्तर पर सीधा प्रसारण आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के साथ हमीरपुर जिला के दोनों वैक्सीन लगा चुकी वयोवृद्ध निर्मला देवी ने बात की और अपने अनुभव साझा किए। निर्मला देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल संवाद करके उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण का लाभ उन्हें हुआ है और सभी को टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। जिला हमीरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीनेशन संवाद कार्यक्रम को उपायुक्त कार्यालय के अलावा जिला के सभी उपमंडल अधिकारी कार्यालयों के अलावा विभिन्न पंचायतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था। साथ ही जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 10 बड़ी स्क्रीनों को भी स्थापित किया गया था, ताकि आम जनता भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देख सके। इस मौके पर हमीरपुर के टाउन हॉल में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने जनता के साथ बैठकर संवाद कार्यक्रम को भी देखा। वैक्सीनेशन की लाभार्थी 85 वर्षीय निर्मला देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री से संवाद कर अच्छा लगा और प्रधानमंत्री ने भी उनसे अच्छी बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री का कोरोना की दोनों वैक्सीनों को निशुल्क लगवाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार लोगों के लिए हमेशा अच्छा काम करती है, लेकिन उसे समझने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से कोरोना का टीका लगवाने का आह्वान भी किया। अच्छा लगा, बात उन्होंने भी अच्छी करी और मेरे को भी अच्छा लगा, कोई बुरा नहीं लगा, बातें भी अच्छी लगी। लेकिन हम इनके कहने पर चलते नहीं हैं, अगर चले ना तो हमारा नुकसान नहीं है, लेकिन हम अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। देखो ये टीके लगवाए हैं जो, बहुत अच्छा है, हमें तो फायदा है भाई, हम ऐसे क्यों बोले। सबने लगाए हैं हमारे घर में, पहले हमारी बहू ने लगाए थे, आंगनबाड़ी में थी, इसकी वजह से सबने फिर लगाए। लेकिन इसमें बहुत फायदा है, और बिना पैसे के, इतना सोचो, पैसे लेकर लगाने में अच्छा है जब बिना पैसे से है, कोई पैसा खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता, सब एक जैसे नहीं। दूसरी बात यह कि हम लोग चल फिर नहीं सकते, बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मन में आया कि देखो हमें टीका एक तो लगा लिया, दूसरा नहीं लगेगा, क्यों चला नहीं जाता। हमारी भी भगवान ने सुन ली, दूसरे दिन ही टीम हमारे घर में आ गई, हमने घर में टीका लगाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और ऐसा ही होना चाहिए कि बुजुर्गों को देख रेख होनी चाहिए, सो हो रही है। और मेरे मन में तो ये भी चाह रहा है कि सरकार सब कुछ अच्छा सोचती है, हमारे दिमाग में बदलता ही है, हम नहीं सोच पाते, हम उल्टा असर निकालते हैं, कसूर निकालते हैं। कसूर तभी निकालें जब कसूर होए, बिना कसूर तो ऐसा नहीं है। सो ऐसी बात है बेटे कि मेरे को अच्छा लगा, और सबको मैं कहती हूँ कि टीका लगवाना चाहिए, इसमें फायदा है, नुकसान है। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हिमाचल ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई है, जो कि गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रथम डोज का 100% हासिल किया है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के अलावा कर्मचारी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तत्परता से काम किया। देखो, ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये वैक्सीन का जो थ्रोट इंडिया प्रोग्राम चला था, हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों को पहली जो वैक्सीन थी वो डोज लग चुकी है, और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में सभी स्टेटों से नंबर वन पर है। ये मैं इसका सारा श्रेय जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी को, व हेल्थ डिपार्टमेंट व बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस हेल्थ सर्विसेज के मामले में जुड़ी हैं, इनको देना चाहूँगा। माननीय मोदी जी ने स्पेशल हिमाचल प्रदेश को प्रथम आने पर यह प्रोग्राम रखा था, और उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व सभी ऑर्गेनाइजेशन का
सबको धन्यवाद भी किया व अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी दी। ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। आदरणीय मोदी जी वैसे भी हिमाचल प्रदेश से उनका खास लगाव है और इसी के चलते आज उन्होंने पूरे प्रदेश को अपने जो संबोधन भी दिया और हिमाचल प्रदेश की सराहना भी की। इसके लिए मैं उनको उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय जय भारत।